मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत भी हो रही है, मगर अब इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख और MIM पार्टी के शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने आवाज़ उठाई है। इन लोगों ने भिवंडी महानगर पालिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भिवंडी में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक मौत हो रही है, भिवंडी महानगर पालिका इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। रईस शेख और खालिद गुड्डू ने मांग की है कि भिवंडी कॉरपोरेशन में IS दर्जे के ऑफिसर को कमिश्नर बनाया जाए। इसके लिए रईस शेख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी लेटर दिया है और NCP के सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात की है, और वहीं खालिद गुड्डू ने भी शासन प्रशासन को लेटर देने की बात कही है। अस्पतालों की लापरवाही, बढ़ते मौत के आंकड़ों को लेकर मनपा पर कोरोना रोकथाम में नाकामी का आरोप लग रहा है। भिवंडी मनपा कमिश्नर को हटाकर IS दर्जे के ऑफिसर को भिवंडी कॉरपोरेशन में कमिश्नर बनाए जाने की मांग अब तेज होते जा रही है। सुनिए विधायक रईस शेख और MIM के शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने क्या कहा है। आज मैंने सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत ही सख्त खत लिखा है जिसमें भिवंडी के हालात मैंने बताए। भिवंडी एक ऐसा शहर है जहाँ पर 12 लाख से ज़्यादा लोग रहने के बावजूद यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बना नहीं, और आज COVID-19 में इसकी सबसे बड़ी सज़ा हम लोगों को मिल रही है। मैं सन्माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के अंदर जिस तरह से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ बढ़ रही है, यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है वो और पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है पूरी तरह से फेलियर है इसको कंट्रोल करने में। इसलिए मैंने सन्माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वो यहाँ पर एक सक्षम यानी एक काबिल IS ऑफिसर भेजे। मेरी अपील के बाद जो है सरकार ने यहाँ पर एक IS ऑफिसर को निगरानी के लिए रखा ज़रूर है, पर वो 3 कॉरपोरेशन देख रहे हैं, भिवंडी, उल्लासनगर और दूसरे भी कॉरपोरेशन। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही काबिल IS ऑफिसर यहाँ पर आए जो इस स्थिति को कंट्रोल कर सके। यही अपील मैंने अपने खत में की है। कल मैं राजेश टोपे जी से भी मिलकर यही अपील करने वाला हूँ। इस गुजारिश को लेकर मैं सरकार से बार बार बात करने वाला हूँ ताकि भिवंडी के अंदर हम लोग किसी तरह से COVID-19 की इस हालात को जो है कंट्रोल कर सके। कि मेरे रिलेटिव की है, मेरे भाई की है, मेरी माँ की, मेरी बहन की मौत हो गई, तो बिल्कुल ये शहर सेफ नहीं है, क्योंकि भिवंडी का कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है जिसको डॉक्टर अष्टिकर कहते हैं, वो इसी महाराष्ट्र के किसी महानगर पालिका का प्रभाग अधिकारी है। जो प्रभाग अधिकारी है वो हमारे शहर के इतने बदनसीब हैं हम लोग इस शहर में कि वो दूसरे यहाँ का दूसरी कॉरपोरेशन का प्रभाग अधिकारी इस शहर में आयुक्त बोलता है, अपने आप को कमिश्नर बोलता है और आगे डॉक्टर भी लिखता है। वो काय का डॉक्टर है, इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का डॉक्टर है कि किसी बिच्छू का डॉक्टर है, ये भी नहीं समझ में आता। कोई भी नियंत्रण नहीं चल रहा उसका। मैंने जेवंत धूले को हटाने के लिए मांग किया है, मगर अभी तक उस जेवंत धूले को उसने हटाया नहीं। ये चोर चोर मजदूर है भाई, ये दोनों मिलकर सिर्फ यहाँ पे लाशों का ढेर लगा रहे हैं, और इसमें खालिद गुड्डू चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके से हम प्राइवेट हॉस्पिटल को नकेल लगा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं IGM हॉस्पिटल को नकेल लगाना चाहता हूँ। अगर ये लोग 24 से 48 घंटे में नहीं सुधरेंगे तो मैं सारे शहर के लोगों को लेके इस महानगर पालिका के कमिश्नर का घेराव करने वाला हूँ। मौत का खेल इस शहर में नहीं चलने दूंगा। इस शहर में सबसे पहला अधिकारी जो आया था उसका नाम था शिंदे, जब ये कॉरपोरेशन बनी थी। यहाँ का जो DCP है उसका नाम है राजकुमार शिंदे। यहाँ पर IS दर्जे का तत्काल में कोई म्यूनसिपल कमिश्नर की नियुक्ति होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, यहाँ के डिप्टी CM से मांग करूँगा कि आप तत्काल में 48 घंटे में कोई ना कोई IS दर्जे का यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त किया जाए, वरना अगर इस शहर में लाशों के ढेर लगे रहे तो MIM का खालिद गुड्डू कभी चुप नहीं बैठेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।